450 साल पहले नास्त्रेदमस ने की थी भविष्यवाणी, 2022 में वो सातों बातें हो गई 100% सच। महंगाई, भुखमरी और युद्ध तक की लिख दी गई थी बात। दुनिया ने नहीं माना तो अब भुगत रही अंजाम। 2022 में बचे 2 महीने, 2023 में छिड़ सकता है तीसरा विश्व युद्ध। डर के साए में जिएंगे सब लोग। दुनिया में ऐसे बहुत कम ही इंसान होते हैं जो अपनी मौत की भविष्यवाणी खुद कर दें या फिर दुनिया में होने वाली घटनाओं को पहले ही किताब के पन्ने पर लिख दें। ये काम नास्त्रेदमस के अलावा कोई और शायद ही इतने शानदार तरीके से कर पाए। साल 2022 को लेकर नास्त्रेदमस ने जितनी भविष्यवाणियां की थी वो सारी इस बार सच साबित हुई है। हम आपको एक एक कर उन भविष्यवाणियों के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए कि फ्रांस की महारानी कैथरीन ने जब नास्त्रेदमस को बुलाया तो क्या हुआ। भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस बचपन से ही लोगों को भविष्य बताते थे। एक बार एक व्यक्ति भीड़ में खड़ा था तो उससे हाथ मिलाने लगे। जब दोस्त ने पूछा कि हाथ क्यों मिलाया तो बोले, बड़ा होकर ये पोप बनने वाला है। और बाद में सच में पोप बना। घर वाले नास्त्रेदमस की आदतों से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने इन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेज दिया। ईसाई धर्म में भविष्य बताना अच्छी बात नहीं मानते, लेकिन नास्त्रेदमस की आदत नहीं छूटी। धीरे धीरे वो इस काम में इतने रम गए कि देश विदेश में ख्याति फैल गई। एक बार फ्रांस की महारानी कैथरीन ने महल में बुलाकर अपने बेटों का भविष्य पूछा। चूंकि महारानी के दोनों बेटों की मौत कम आयु में होनी थी, इसलिए नास्त्रेदमस ने सीधा कुछ नहीं कहा बल्कि छंद में अपनी बात कही। बाद में वो बात सच साबित हुई, तभी से नास्त्रेदमस ने अपनी बातें सीधे तौर पर नहीं कही। कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां साल 2022 को लेकर भी उन्होंने की थी, जिनमें से सारी सच साबित हुई है। पहली भविष्यवाणी भुखमरी और महंगाई से जुड़ी है। नास्त्रेदमस ने अपनी किताब में लिखा कि शहद की कीमत मोमबत्ती मोम से ज्यादा होगी, गेहूं की कीमत ज्यादा हो जाएगी, दुनिया भर में महंगाई बढ़ जाएगी, भुखमरी जैसे हालात हो जाएंगे। आज देश भर में आर्थिक मंदी का संकट आने वाला है, लोग महंगाई से डरे हुए हैं। शहद छोड़िए, आटा दाल चावल तक लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। लीबिया, सूडान और चड जैसे कई देशों में भुखमरी के हालात भयावह हो गए हैं। दूसरी भविष्यवाणी वैश्विक तापमान से जुड़ी है। नास्त्रेदमस ने लिखा कि वायुमंडल का तापमान बढ़ने से प्रकृति अपना स्वरूप बदल लेगी, असमय बारिश होगी, प्रकृति से खिलवाड़ की वजह से जानवरों की मृत्यु होगी। इस साल लंपी वायरस की वजह से भारत में हजारों जानवरों की मौत हुई, कहीं बारिश हुई तो कहीं सूखा पड़ गया। सावन में बारिश नहीं हुई, लेकिन ठंड से ठीक पहले बारिश किसानों को चिढ़ा रही है। तीसरी भविष्यवाणी धूमकेतु से जुड़ी है। नास्त्रेदमस ने लिखा कि मैं पृथ्वी पर आसमान से गिरता हुआ आग का गोला देख रहा हूँ, इसके पृथ्वी से टकराने से भयानक नुकसान होगा। आप ये जानकर हैरान होंगे कि साल 2021 के आखिर में ही पृथ्वी 2021 GW4 पृथ्वी से टकराते टकराते बची है, मतलब विज्ञान को लेकर भी उनकी भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक है। चौथी भविष्यवाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी है। नास्त्रेदमस ने 450 साल पहले ही ये बात लिख दी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की किसी चीज का आविष्कार होगा। आने वाले समय में रोबोट इंसान पर राज कर सकते हैं। साल 2022 में हिंदुस्तान में 5G लॉन्च होने के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की राह आसान हुई है। दुनिया भर में ये तकनीक तेजी से बढ़ रही है। पांचवी भविष्यवाणी प्रवासियों के संकट से जुड़ी है। नास्त्रेदमस ने लिखा कि विश्व में कोई युद्ध या महामारी प्रवासियों पर संकट खड़ा कर सकती है। साल 2020 से कोरोना महामारी से दुनिया तबाह है, उस वक्त प्रवासियों ने भारी संख्या में पलायन किया। लोग सड़कों पर जैसे तैसे मंजिल की तलाश में भटकते दिखे, और इस साल यूके यूरोप में प्रवासी संकट सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से भी हालात बिगड़ रहे हैं। छठी भविष्यवाणी भूकंप से जुड़ी है। नास्त्रेदमस ने लिखा कि साल 2022 में जापान में एक विनाशकारी भूकंप आने की आशंका है, जिससे बड़ी तबाही मच सकती है। अगर भूकंप दिन में आया तो कई लोगों की मौत भी हो सकती है। मार्च 2022 में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे चलती बुलेट ट्रेन पटरी से उतर गई, लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लेकिन ये भूकंप रात 8 बजे आया था, इसमें किसी की मौत नहीं हुई। सातवीं भविष्यवाणी फ्रांस में संकट से जुड़ी है। नास्त्रेदमस ने लिखा कि फ्रांस में एक भीषण तूफान संकट का बड़ा कारण बन सकता है। अक्टूबर 2021 में ही तूफान ऑरोर ने पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में भीषण तबाही मचाई। यहां तक कि इस साल भी फ्रांस में तूफान की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई।
नास्त्रेदमस ने 2023 को लेकर तीसरे विश्व युद्ध और मंगल ग्रह पर इंसान के पहुंचने की भविष्यवाणी की है। इनकी भविष्यवाणी पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट कर बता सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इन चीजों पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं तो कुछ नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।